गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के बाद चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के आज वो पड़ा है कमजोर। मौसम विभाग ने कहा आज शाम तक दक्षिण राजस्थान में चक्रवात के डिप्रेशन में बदलने की उम्मीद। जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में आज और कल तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी। गुजरात में बिपरजॉय के लैंडफॉल की प्रक्रिया के दौरान 22 लोगों के जख्मी होने की खबर। तेज हवाओं की वजह से सौराष्ट्र और कच्छ के कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरने की घटनाएं आई सामने। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और बीएसएफ की टीमें राहत कार्यों में जुटी। हैदराबाद में चल रही G20 देशों के कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक का आज दूसरा दिन। सम्मेलन में 19 सदस्य देशों के अलावा 200 से भी अधिक डेलीगेट्स हुए शामिल। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत कृषि समेत टिकाऊ जैव विविधता और जलवायु समाधान जैसे विषयों पर चर्चा। महाबलीपुरम में चल रही W20 बैठक के अंतिम दिन आज 3 सत्रों में होगी चर्चा। कल केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बैठक को किया संबोधित। कहा महिलाओं के प्रति बिना किसी भेदभाव के बनने चाहिए डिजिटल प्रोडक्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर। राज्य की जनता के सामने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का रखेंगे लेखा जोखा। कनाडा में भीषण सड़क हादसा। मैनिटोबा में बुजुर्गों को ले जा रही बस को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 15 बुजुर्गों की मौत, 10 घायल। खेल की खबरों में चेन्नई में चल रहे स्क्वैश विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत और मलेशिया होंगे आमने सामने। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में मिस्र का सामना जापान से। इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में आज किदांबी श्रीकांत और एचएस प्रणॉय खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबला। वहीं पुरुष युगल में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अंतिम 8 में पेश करेगी भारतीय चुनौती। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक एशेज सीरीज का आगाज आज से बर्मिंघम में एस्बेस्टन के मैदान पर खेला जाएगा पहला मैच। तो नया सवेरा में जान लेते हैं पहले देश भर से जुड़ी कुछ खास।